वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में और आज के डेली करंट अफेयर्स क्विजिस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उस स्टार्ट करने से पहले जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको हम आज बहुत ही ढंग से कवर करेंगे। खासकर कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो आज हम उन सभी न्यूज़ की चर्चा कर लेंगे और उन मैप्स की लोकेशंस भी आपके साथ में डिस्कस हो जाएंगी। तो दोस्तों, आगे मैं बढ़ने से पहले आप सभी को कहना चाहूँगा कि जो अनअकैडमी प्लस का प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बाकी जगह आपको कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, एक बार आप थोड़ा सा माइंड से काम करेंगे तो यहाँ पर अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ पर देखिए, एक तो आपके कंप्लीट टेस्ट सीरीज यहाँ पर उपलब्ध है और टेस्ट सीरीज भी आपके तीन तरीके की है। यहाँ पर आपके क्विजेज हैं, मेगा क्विजेज हैं और उसके बाद में भी फुल ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है। दूसरा क्या है, यहाँ पर आपका एक जो डाउट क्लियरिंग सेशन का यहाँ का जो फीचर है वो कहीं पर भी है ही नहीं। हर तीन क्लास के बाद में आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो, पूरा एक क्लास डोनेटेड है डाउट क्लियर करने के लिए, तो 100% आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। और फिर तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, एक ही फीस में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी यहां पर उपलब्ध हैं, आप सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी यहां पर एक्सेस कर पाएंगे। और दूसरी बात क्या है आपका जीएस का, देखिए पूरे इंडिया में कंप्लीट जीएस को सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट कवर करने की जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले सकता। पूरे सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट कवर करने की जिम्मेदारी कोई कोचिंग नहीं लेगा। और अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है तो आप अपने किसी बड़े भाई, किसी दोस्त, किसी से भी पूछ लीजिएगा कि उनका कितना परसेंट सिलेबस कवर हो गया है, तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा। और फिर देखिए, आपके यहाँ पर आपको पूरे नोट्स भी मिलेंगे, सारे नोट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और क्या होगा, देखिए आपका यहाँ पर जो मेन्स का टेस्ट सीरीज है वो भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। मेंस का बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज होता है अनअकैडमी का, उसे आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको पर्सनल ट्रेनिंग नहीं देगा, यहाँ पर आपको पर्सनल ट्रेनिंग मिलने वाली है, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से, पूरे इंडिया के जो जाने माने बेस्ट एजुकेटर्स हैं। जैसे मृणाल सर का नाम तो किसी ने भी सुना होगा, अगर यूपीएससी में आप आए हैं तो मृणाल सर को तो आप निश्चित ही जानते होंगे। तो वैसे सारे ऑल इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं, वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं अनअकैडमी प्लस में। इसीलिए अनअकैडमी प्लस को प्लस कहा जाता है कि पूरे इंडिया के जितने अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं सभी को प्लस कर दिया गया है एक जगह। तो पूरा पर्सनलाइज ट्रेनिंग होगा आपका, आपको कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, डाउनलोड करके पढ़ना है, लाइव क्लास लेना है, सारी ही चीज़ें आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइडेड की गई हैं कि अगर मैं बोर्ड पर लिखने लग जाऊँगा तो शायद पूरा का पूरा बोर्ड भी कम पड़ जाए, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो एक तरीके से वन स्टॉप सॉल्यूशन है, यानी कि गागर में सागर भरने वाली बात है, सभी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो आप अगर इस मौके को गवा देंगे, और देखिए ये जो मौका है आपका वो भी बहुत ही मामूली सी फीस में है, और वो मामूली सी फीस मात्र 2900 रुपये है। अब आप खुद सोचिए, आप जब स्कूल जाते थे या फिर आपके कोई भाई बहन अभी स्कूल जा रहे होंगे, वो मैथ साइंस के ट्यूशन भी लगाते हैं, तो वो भी आज कम से कम 4-5 हज़ार रुपये प्रति मंथ तो लेता ही लेता है। और यहाँ पे मात्र 2900 रुपये में आपको इतनी चीज़ें मिल रही हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ये आप सब्सक्राइब करेंगे अनअकैडमी प्लस को, यानी कि यहाँ पर जो लगभग आपके पूरे 80 एजुकेटर्स हैं, इनके जितने भी कोर्सेज हैं सभी को आप एक्सेस कर लेंगे सिर्फ इस एक फीस में, और वो एक फीस है आपके मात्र 35,000 रुपये। अब देखिए, आप 35,000 रुपये की तुलना कर लो दिल्ली के या ऑफलाइन जगह के पैसों से कि वहाँ कितना फीस आपको देनी पड़ेगी। अगर आपको कोई भी संदेह हो तो एक बार फ़ोन करके किसी भी कोचिंग में वहाँ की फीस पूछ लेना, आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए, जीएस की अगर जो फीस है आपकी, अगर आप वो सुनेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि ये तो सिर्फ जीएस की फीस है, और जो आपके जीएस की फीस होगी वो है आपके दिल्ली में 1,40,000 रुपये। अब देखिए, 1,40,000 रुपये तो आपके सिर्फ जीएस की फीस है। फिर आपके मेंस के ऑप्शनल की बात करूं मैं, तो ऑप्शनल की होगी आपके 40,000 रुपये की फीस। फिर अगर आपका अगर सीसेट वीक है, सीसेट के लिए आपको भी 10,000 रुपये देने होंगे, नहीं तो अगर कोई छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से भी अगर आप सीसेट कर रहे हो तो भी 8,000 रुपये तो वो लेगा ही लेगा। फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज के 25,000 रुपये होंगे आपके, ऐसे पूरा जोड़ लोगे तो 3.5 लाख रुपये आपको सिर्फ फीस देनी पड़ेगी।
और फिर उसके बाद में आप 3.5 लाख में रहना खाना, और वो भी तब हो पाएगा 3.5-4 लाख में जब आप बहुत कंजूस हो, बहुत अच्छा आपका मैनेजमेंट है, तब कहीं जाके आपको 3.5-4 लाख का एक साल पड़ने वाला है। उसकी जगह मात्र अनअकैडमी प्लस आपसे ले रहा है 35,000 रुपये। और देखिए इसमें भी आपको 10% का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप हमारे इस कोड को यूज कर लोगे। हमारा कोड याद रखिएगा बच्चों, SS Live हमारा कोड है, इसको यूज करो और सीधे सीधे 10% का फायदा ले लो। SS Live लिखो बस, अप्लाई कर दो, सीधे 3500 का फायदा एक बार में खत्म, आपके पास अकाउंट में आ जाएगा। तो देखिए, और जो छात्र 2 साल के लिए हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कई बच्चे होंगे जो अभी ग्रेजुएशन में होंगे, कुछ सेकेंड ईयर कर रहे होंगे, कुछ फाइनल ईयर कर रहे होंगे, या फिर कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिन्हें लगता है कि अभी हम ऑप्शनल ढंग से नहीं डिसाइड कर पाए, अभी GS में हमारी थोड़ी सी कमजोरी है, तो हम अगले साल देंगे, तो उनके लिए बहुत सही मौका है। वो एक अच्छे फाउंडेशन के साथ में अगर अनअकैडमी से जुड़ेंगे तो वो अपने आप को फ्यूचर में टॉपर्स में भी देख सकते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी नींव मजबूत होगी उतना ही घना वृक्ष होता है। तो देखिए, इसके लिए फीस देनी होगी आपको मात्र 2300 रुपये प्रति माह, और सिर्फ इतनी सी फीस में, सिर्फ 2300 रुपये प्रति माह अर्थात 56,000 रुपये पूरे 2 साल के। इसमें भी आप हमारे इस कोड को लिखो, SS Live हमारा कोड है, इसको लिखते ही, सिर्फ अप्लाई करते ही, लिखते ही आपको 5600 का फायदा हो जाएगा, 50,400 रुपये में सारा ही कोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो अब देखिए, इससे ज़्यादा बेहतरीन मौका आपके पास हो ही नहीं सकता, पूरे इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है। इसीलिए अनअकैडमी प्लस को कहा जाता है कि वी आर क्रिएटिंग ए रेवोल्यूशन, एक एजुकेशन रेवोल्यूशन किया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति है जो कि अनअकैडमी प्लस ला रहा है, तो आप भी इस क्रांति का हिस्सा बने और एजुकेशन में रिवॉल्यूशन लेकर आए। और देखिए, जिन छात्रों को पहले समस्या आ रही थी कि सर हम सब्सक्राइब कर कैसे करें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका है अपने पास। क्या करेंगे, अनअकैडमी प्लस का सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो अनअकैडमी प्लस को। फिर उसके बाद में जैसे आपको अगर UPSC का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए UPSC CSE का गोल सेलेक्ट कर लो। फिर एक ऐसी स्क्रीन आपके पास आ जाएगी, इसमें फिर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर दो। फिर जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको मंथली पैकेज लेना है, 3 महीने का लेना है, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, जैसे भी आपको लेना हो बिल्कुल लो, कोई टेंशन नहीं है। और फिर इस पर क्लिक करके आप कंटिन्यू दबा दो। अब देखो, अब जो स्टेप आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस स्टेप में आपको पूरा 10% का फायदा होगा। कई छात्र ढंग से इस कोड को नहीं लगा पाए और उनको 10% का फायदा नहीं हो पाया, तो आप ध्यान से लगाइएगा, SS Live लिखिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप SS Live लिख के अप्लाई कर दोगे तो आपको 10% का फायदा मिल जाएगा, और 31,500 में ये पूरा ही सब्सक्रिप्शन पूरे साल भर के लिए आपको मिल जाने वाला है। तो इस स्टेप को बड़ा ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि इसमें अगर चूक हो गई, एक स्पेलिंग भी गलत हो गई, तो फिर आप 10% के डिस्काउंट से वंचित रह सकते हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए SS Live लगाना मत भूलिएगा, ढंग से लगाइए, सोच समझ के लगाइए, तभी आपको 10% की छूट मिलेगी। तो चलिए आज के MCQs की बात करते हैं, आज के क्विज की बात करते हैं फटाफट से। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो आधारित है, शून्य मानक हाल ही में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जीरो स्टैंडर्ड का नाम बहुत बार न्यूज में आया है, वह किससे संबंधित है। आपका पहला ऑप्शन है गहरे समुद्र में खनन, अंतरिक्ष अनुसंधान, कृषि अनुसंधान और परमाणु हथियार। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि ये परमाणु हथियारों से संबंधित है। परमाणु हथियारों के लिए शून्य मानक, जीरो यील्ड फैसिलिटी यूज की जाती है। अब देखिए, न्यूज में इतना चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका का ऐसा दावा है कि रशिया क्या कर रहा है, चोरी छुपे न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। और जब कोई बड़ा विस्फोट किए बिना शांति से कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, यानी कि जो विस्फोट भी हो उसको दबा दिया जाए, उसकी खबर किसी को नहीं पड़े, तो उसी को कहते हैं जीरो यील्ड स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं उसी को? शून्य मानक कहते हैं, यानी कि बिल्कुल चोरी छुपे बिना किसी विस्फोट के, आवाज के परमाणु विस्फोट कर देना, क्या कहते हैं उसको? शून्य मानक कहते हैं। और USA कह रहा है कि रशिया भी इसको कर रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा ये न्यूज में है कि रशिया अब न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है और वो परमाणु हथियार बना रहा है, और कर रहा है वो शून्य मानक से, जीरो यील्ड टेक्निक से।
अगला प्रश्न है आपका कि व्यापक जल प्रबंधन सूचकांक कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो है इसके संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सूचकांक को तैयार करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, और 2019 में गुजरात इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। तीसरा कथन है 2019 में पहली बार सूचकांक में कर्नाटक शामिल हुआ है। सही कथनों का आपको चयन करना है। इसका बिल्कुल सही कथन है, केवल सेकेंड ऑप्शन ही हमारा सही है। गुजरात इसमें फर्स्ट नंबर पर है, परंतु आपकी जानकारी के लिए हम बता दें इसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट नहीं बनाती, इसे नीति आयोग बनाता है। और इस बार कर्नाटक को नहीं, दिल्ली को पहली बार शामिल किया गया है। तो देखिए आप यहाँ पर इंडेक्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट रैंक है आपकी 2018 में भी गुजरात की थी और अभी भी गुजरात की है। फर्स्ट नंबर पर आपके गुजरात है, सेकंड पर आपका आंध्र प्रदेश और थर्ड पर आपका मध्य प्रदेश है। और इस प्रकार से पूरी सीरीज चलती जाती है। और देखिए आप यहाँ पर इस ग्राफ में देख सकते हैं कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर पानी की काफ़ी समस्याएं बनी हुई हैं। तो जो आपका 54% इंडिया है वो आपके वाटर क्राइसिस को झेल रहा है। आपका जो जल संकट है वो भारत के 54% इलाकों पर घिरा हुआ है। इसीलिए ये जो पूरा रेड मार्क किया हुआ है, ये जो रेड मार्क है यहाँ पर आपके 80% से भी ज़्यादा जल की समस्या है। केवल कुछ ही क्षेत्र, ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये जल की समस्या से ग्रसित नहीं है, बाकी लगभग आधे से ज़्यादा भारत आपका जल की समस्या से काफ़ी ग्रसित है। और देखिए ये रिपोर्ट आपके नीति आयोग तैयार करता है। और अगर हम बात करें लो परफॉर्मिंग स्टेट्स की, तो नीचे से आपके झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा और एवं बिहार, ये जो चार स्टेट हैं ये नीचे से आपके कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में सबसे नीचे आते हैं। और ये जो इंडेक्स है आपका, ये आपका 3 साल की परफॉर्मेंस को देख के निकाला जाता है। और इसमें टोटल आपके 9 इंडिकेटर्स 9 थीमें जोड़ी जाती हैं, जिसमें आपके भूजल का स्तर क्या है, ग्राउंड वाटर का स्तर क्या है, इत्यादि चीज़ें देखी जाती हैं। और इसी ये निकाला जाता है पूरे देश के लिए नहीं, 25 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निकाला जाता है। और हाल ही में दिल्ली के लिए पहली बार ये इंडेक्स निकाला गया था, जिसमें दिल्ली ने काफ़ी कम स्कोर किया, केवल 20 पॉइंट ही वो ले पाया, और जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है दिल्ली के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आधारित है पोषण माह पर। पोषण माह अर्थात राष्ट्रीय पोषण माह के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है, पोषण के संदेशों को जमीनी स्तर तक ले जाने का ही प्राथमिक उद्देश्य है। दूसरा कथन है, सरकार पोषण अभियान के द्वारा अगस्त महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मना रही है, और यह कार्यक्रम 8 विषयों पर केंद्रित है। सही कथन का आपको चयन करना है। तो दोस्तों सही कथन है केवल पहला और तीसरा, दूसरा कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सितंबर में पोषण माह मनाया जाता है, ना कि अगस्त में। तो देखिए हमारी जो नीति आयोग है और जो आपका वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, WCD मिनिस्ट्री और नीति आयोग, ये दोनों मिलके निकालते हैं आपके पोषण माह के वीक को, पोषण सप्ताह को। और ये 8 थीम पर आधारित है, जिसमें आपके एंटीनेटल केयर, जन्मजात बच्चों की केयर, और इसमें ब्रीस्ट फीडिंग, और वो इसी के साथ साथ आपके कॉम्प्लीमेंट्री जो फीडिंग किया जाती है माताओं के द्वारा, वो एनीमिया, किस प्रकार से बच्चों की ग्रोथ हो रही है, बालिकाओं की शिक्षा क्या है, खान पान कैसा है, उनकी शादी की एज कितनी है, हाइजीन और सैनिटेशन का कैसे ध्यान दिया जाता है, और इसी के साथ साथ फूड फोर्टिफिकेशन कैसे किया जाता है। ये 8 थीमें पर केंद्रित है आपका ये पोषण माह, और यह गवर्नमेंट के द्वारा सितंबर में मनाया जाता है। सितंबर में नेशनल न्यूट्रिशन मंथ मनाया जाता है पोषण अभियान के थ्रू। देखिए ये कार्य है आपके पोषण अभियान का, जिसमें मेन काम क्या है, आपके ब्रीस्ट फीडिंग करवाना, जो बच्चों को दूध पिलाया जाता है उसके लिए इसमें मेन प्रोविजन है। इसी के साथ साथ आपका एक्सक्लूसिवली 6 महीने के लिए महिलाओं को ब्रीस्ट फीडिंग करवाना पोषण माह के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ताकि बच्चे क्या हों, स्वस्थ पैदा रहें, और उनकी इम्यूनिटी, जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, वो काफ़ी अच्छी हो। और इसी के साथ साथ
कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी करवाई जाती है कि कंटिन्यूस ब्रीस्ट फीडिंग हो 6 महीने तक और 2 साल तक बच्चे को अन्न के साथ साथ ब्रीस्ट फीडिंग भी करवाई जाए। यह आपके पोषण माह का उद्देश्य है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट निकालती है। अब देखिए आपका वेडासी न्यूज में था, वेडासी की अवस्थिति कहां पर है, कहां पर आपके वेडासी उपस्थित है इसके बारे में पूछा गया है। और आपका वेडलसी है दक्षिणी महासागर में, साउथ महा जो ओशियन है आपका वहां पर वेडलसी आता है। तो चलिए देखते हैं वेडलसी की लोकेशन क्या है। देखिए आपके अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका जो आपके नीचे दक्षिणी महासागर में पहुंच जाता है उसके पास वेडलसी पाया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए ये जो आपका रीजन है ये आपका वेडलसी कहलाता है जो कि अंटार्कटिका के पास में है। यहाँ पर आपका वेडल सी है और इसी के पास पास और भी सी है जिन्हें हमें देख लेना चाहिए। नीचे आपका रोज सी आता है, रोज सी, और आपके काफी आइलैंड्स भी हैं जहां पर प्रिंस आइलैंड यहां पर है। इस प्रकार से जो मेन चीजें हैं वो इस प्रकार से अंटार्कटिका में आपके वेडल सी है और एक रोज सी आपके फेमस है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एड्स तपेदिक मलेरिया से लड़ने के लिए हमने एक ग्लोबल फंड बनाया है, उस ग्लोबल फंड के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। पहला कथन है एड्स रोग मलेरिया से लड़ने के लिए जो ग्लोबल फंड है वो एक इंटर गवर्नमेंटल अंतर सरकारी वित्त पोषित संगठन है। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी और इसका जो सचिवालय है वो क्या जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही कथन है, सही आंसर केवल दो है कि केवल आपके 2012 में ही ये बनाया गया था, बाकी कथन आपके गलत है। तो चलिए देखते हैं, देखिए सॉरी इसमें गलत कथन आपसे पूछा गया है, गलत कथन आपका केवल सेकेंड है, बाकी ये दोनों कथन ठीक है। ऑब्वियसली इंटर गवर्नमेंटल बॉडी होगी ही जो कि होनी ही चाहिए और बाकी ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित है तो गलत कथन है। तो और ये बनाया गया था देखिए आपके 2002 में आपके ग्लोबल फंड बना था और ये बना था टू फाइट एड्स ट्यूबरकुलोसिस टीबी और जो मलेरिया है वो, उसकी वजह से ये बनाया गया था, इनसे लड़ने के लिए ग्लोबल फंड बनाया गया था। और ये बहुत सारी गवर्नमेंटल बॉडियों के साथ साथ सरकारों के साथ साथ सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को जोड़कर बनाया गया था। इसका जो सचिवालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए जो ग्लोबल फंड है आपका वो थोड़ा इस तरीके से वर्क करता है कि पहले आपका मनी को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसके बाद में पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाता है, फिर उस रिव्यू को अप्रूव करने के बाद में एक्सपर्ट उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए कार्य करते हैं, अनुसंधान करते हैं और फिर एक्शन लेकर उस फंड को यूज किया जाता है। अगले प्रश्न पर आधारित है आपका चाइल्ड राइट एंड यू पर, क्राई जो है आपका चाइल्ड राइट्स एंड यू, क्राई नामक जो एनजीओ है गैर सरकारी संगठन है उसके द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड, जो एक अध्ययन है आपके जो क्राई ने किया है एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड, इसके संदर्भ में आपको कुछ कथनों पर विचार करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला कथन है इसके तहत उच्च माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की पढ़ाई छोड़ने के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। दूसरा कथन है यह अध्ययन 4 राज्यों आंध्र प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में किए गए अध्ययनों पर आधारित है और इन सभी में से आपको जो कथन सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा सही नहीं है, उनको आपको चूज करना है। तो देखिए जो सेकंड ऑप्शन है वो कॉमन सेंस से आपको पता लग गया होगा कि सिर्फ 4 राज्यों के अध्ययन से नहीं निकला है, तो सेकंड ऑप्शन गलत है। बाकी आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि लड़कियां क्यों आखिर स्कूलिंग पढ़ाई छोड़ देती हैं उनके कारणों पर प्रकाश डाला है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से लड़कियां पढ़ नहीं पाती और पढ़ाई छोड़ देती हैं। तो देखिए ये जो एनजीओ है आपका क्राई चाइल्ड राइट्स एंड यू इस क्राई जो आपके एनजीओ है इसने पढ़ाई छोड़ने के कारणों पर प्रकाश डाला है और ये आपके आंध्र प्रदेश बिहार गुजरात और हरियाणा में कुछ 3,000 लोगों का इंटरव्यू लिया गया तब उसके लक्ष्य में आया है। और देखिए जो कारण है आपके लड़कियों के पढ़ाई छोड़ने का, पहला तो क्या है अधिकतर अभिभावक को लड़कियों की सुरक्षा संबंधी चिंता होती है तो पढ़ने ही नहीं जाने देते,
दूसरा कारण है कि स्कूल में महिला शिक्षक न होने के कारण भी कुछ माता पिता लड़कियों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। तीसरा कारण है कभी कभी घरेलू काम भी लड़कियों को स्कूल जाने में हतोत्साहित करता है। चौथा कारण है कुछ राज्यों में खराब सड़कें और परिवहन सुविधाओं की कमी भी एक महत्वपूर्ण और प्रमुख कारण है। पांचवा कारण है आपका कि देश में कई स्कूलों में पानी जैसी और टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं ही नहीं हैं, तो उनकी वजह से भी लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। अब देखिए, ये लड़कियों के पीछे इतने बड़े कारण हैं, और अगर लड़कियां स्कूल नहीं गई तो फिर देश का विकास कैसे होगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। तो देखिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका आधारित स्वाल बार्ड द्वीप समूह के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है स्वाल बार्ड द्वीप समूह आर्कटिक महासागर में स्थित है। दूसरा कथन है नॉर्वे सागर के ये उत्तर में स्थित है। तीसरा कथन है स्वाल बार्ड में ग्लोबल सीड वॉल्ट और ग्लोबल वार्मिंग तथा ध्रुवीय तकनीक पर एक शोध संस्थान स्थित है। इसमें से आपको सही कथनों का चयन करना है। तो देखिए, इसमें जो बिल्कुल कथन सही हैं, सभी कथन आपके बिल्कुल ठीक हैं। ये सीड वॉल्ट और ध्रुवीय तकनीक पर काम कर रहा है, यहाँ पर एक शोध संस्थान आर्कटिक महासागर में भी है और ये आपके नॉर्वे सागर के उत्तर में भी है। तो चलिए थोड़ा सा इसकी लोकेशन के बारे में देख लेते हैं, और उस पर लोकेशन देखने से पहले आप यहां पर देख सकते हैं ये आपका पूरा का पूरा स्वालबार्ड द्वीप समूह है। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक महासागर है, और यहां पर आपके स्पिट्सबर्गेन पाया जाता है जो कि अभी न्यूज में है। यहां आपके बेरेंट सी है, और इस प्रकार से काफी सारे छोटे मोटे आइलैंड हैं, जैसे कॉन्कार्ड आइलैंड है आपका, यहां पर ग्रीनलैंड सी पाया जाता है, और ये आपके आर्कटिक के जस्ट नीचे ये पूरा का पूरा आपका जो द्वीप समूह कहलाता है वो आपका स्वालबार्ड द्वीप समूह कहलाता है। आप थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो देखिए, ये आर्कटिक महासागर में स्थित द्वीप समूह है, जैसा कि हमने इस डायग्राम में देख लिया है, ये पूरा आर्कटिक महासागर उसके बीच का एक आइलैंड, और देखिए यूरोप के मुख्य भूमि के करीब ये 400 मील दूर है, और नॉर्वे सागर के ऊपर की तरफ है, ये उत्तरी ध्रुव के बीच में पाया जाता है, और स्पिट्सबर्गन इसका सबसे बड़ा द्वीप है, जैसे कि आपने देखा ये सबसे बड़ा द्वीप है जो कि स्पिट्सबर्गन है, और 18वीं शताब्दी में डच और डेनमार्क के जो कैदी थे उनको सजा के तौर पर यहीं पर लेकर जाया जाता था, और वेल मछली के आकार के उपयोग में की जाने वाली बड़ी नौकाओं को चलाने की सजा दी जाती थी, कि इतनी बड़ी बड़ी नौकाओं को आप चलाओ, यही सजा होती थी कैदियों की। अब क्या है, ये एक पर्यटन स्थल बन चुका है, एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर ग्लोबल सीड वॉल्ट, ग्लोबल वार्मिंग और पोलर टेक्निक ध्रुवीय तकनीक पर एक शोध संस्थान है। तो ये बिल्कुल सही बात है, यही इसी की वजह से न्यूज में है, क्योंकि यहां पर क्या है, ग्लोबल सीड वॉल्ट है, भविष्य में हमारे कुछ पौधों के बीज को सुरक्षित रखने के लिए एक वॉल्ट बनाया गया है यहां पर, इसीलिए स्वालबार्ड आपके न्यूज में था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि नेशनल जीनोम ग्रिड पर आधारित है। राष्ट्रीय जीनोम ग्रिड, नेशनल जीनोम ग्रिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन है कैंसर अनुसंधान को और विकसित करने हेतु एक राष्ट्रीय जीनोम ग्रिड, नेशनल जीनोम ग्रिड की स्थापना की जाएगी। यह भारतीय प्रौद्योगिकी की संस्थान IIT मद्रास में स्थापित कैंसर राष्ट्रीय कैंसर ऊतक बायोबैंक, नेशनल कैंसर टिश्यू बायोबैंक के अनुरूप होगा। यह भारत में कैंसर से प्रभावित जीनोमिक कारकों का अध्ययन करने के लिए कैंसर रोगियों के नमूने एकत्र करेगा और इन नमूनों को ठीक से सत्यापित करने का कार्य ये करेगा। सही कथन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, गलत कथनों को आपको बताना है, जो कथन सही नहीं है, क्योंकि ये नहीं वर्ड है, काफी परेशान करता है, तो इस पर आप ध्यान देंगे। तो देखिए, इसमें जो सारे ही कथन हैं बिल्कुल गलत हैं, सभी कथन बिल्कुल गलत हैं। तो चलिए देखते हैं सही क्या है। देखिए, सरकार ने कैंसर अनुसंधान को और विकसित करने हेतु राष्ट्रीय जीनोम ग्रिड बनाने की स्थापना करने की बात कह दी है, और ये जो होगा आपका IIT मद्रास में स्थापित राष्ट्रीय कैंसर ऊतक, नेशनल कैंसर टिश्यू बायोबैंक के अनुरूप में ही होगा,
और जबकि पीछे आपसे नहीं होगा वर्ड लिखा हुआ था, और यह भारत में कैंसर से प्रभावित जीनोमिक कारकों का अध्ययन करेगा और कैंसर रोगियों के एक नमूने को एकत्रित करेगा और उन्हें ठीक से बताएगा कि क्या समस्या है। तो ये बात हो रही है आपके स्थापित करने की नेशनल जीनोम ग्रिड को। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि रासायनिक ऑक्सीजन मांग, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। यह जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो कुल उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए जरूरी होती है, आवश्यक होती है। यह जल प्रदूषण को मापने की एक रासायनिक विधि भी है। इसमें से आपको सही कथनों को बताना है। तो देखिए, इसमें सही कथन आपके दोनों ही बिल्कुल सही कथन है कि ऑक्सीजन की मात्रा को भी बताता है कि कितने रासायनिक रूप से ऑक्सीजन की डिमांड है और आपके जल प्रदूषण है कितना है नहीं है, ये भी COD बताता है। तो देखिए, रासायनिक ऑक्सीजन मांग, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो कुल कार्बनिक पदार्थों, घुलनशील भी हो सकते हैं अघुलनशील भी हो सकते हैं, इनके लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, जो ऑक्सीकरण के लिए जरूरत होगी वो बताएगा। और दूसरा, जो COD है वो ऑक्सीकरण की आवश्यकता वाले पानी के नमूने में घटते पदार्थों की मात्रा को मापने के काम में आता है कि जल प्रदूषण से कितने मात्रा में पदार्थ है जल प्रदूषण की, उन सभी का पता आप COD से लगा सकते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से आप लगा सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपका मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन पर आधारित है। इन्फ्लेशन पर आधारित ये प्रश्न आपको क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कीमतों में कमी को मुद्रास्फीति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कमी और कीमतों में कमी, क्या यह आपका इन्फ्लेशन है। दूसरा कथन है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग मुद्रास्फीति की गणना के लिए किया जाता है। और तीसरा कथन है आपका, अत्यधिक मुद्रास्फीति की अवस्था के लिए हानिकारक होती है अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए, और जबकि 2-3% की मुद्रास्फीति दर अर्थव्यवस्था के लिए सही मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, सही वाली मुद्रास्फीति कितनी कही गई है, 2-3%। तो इसमें से आपको सही कथनों का चयन करना है। तो देखिए, आपका जो दूसरा और तीसरा कथन है ये बिल्कुल ठीक है। जो डेफिनेशन है आपके मुद्रास्फीति की कमी की, ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई मतलब वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, ना कि कमी। इसलिए ये कथन गलत और दोनों कथन बिल्कुल ठीक। तो देखिए, मुद्रास्फीति क्या है, जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और इसी वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना 2 सूचकांकों से करता है, एक है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और अत्यधिक बिल्कुल ये हानिकारक होगी, ज़्यादा मुद्रास्फीति होती है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक है, और केवल 2-3% की जो मुद्रास्फीति दर होती है वही हमारी देश के लिए अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल सही मानी जाती है। अगला प्रश्न आपका आधारित है कि किस राज्य ने 5 सितंबर 2019 को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे आप सभी यूनेस्को के नाम से जानते हैं, यूनेस्को के साथ भागीदारी की है, किसके लिए, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के लिए, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है उसको बढ़ाने के लिए किस राज्य ने यूनेस्को से हाथ मिला लिया है। तो इसका सही आंसर है, राजस्थान ने ऐसा किया है, क्योंकि हाल ही में राजस्थान का जो हवा महल है, राजस्थान का जो परकोटा है, उसको आपके वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, उसके बाद ये सारी बातें चल रही थी। और देखिए, चौथा हिंद महासागर सम्मेलन, 4th Indian Ocean Conference 2019 में कहाँ आयोजित किया गया था, वो आयोजित किया गया है माले मालदीव में। तो चलिए थोड़ी सी लोकेशन देख लें माले मालदीव की। तो देखिए, हमारा ये इंडियन ओशियन है, उसमें आपके भारत के नीचे श्रीलंका के इधर साइड में ये एरिया आपका मालदीव कहलाता है और इसकी राजधानी है माले। और आपको कई बार इस पर प्रश्न पूछे गए हैं, सिसिलीज जो आपका है वो नीचे आएगा, इधर आपका सोमालिया है और यहाँ पर आपके गल्फ ऑफ अडेन आती है यमन के नीचे। इस प्रकार से ये इसकी लोकेशन हो गई किसकी, मालदीव की।
अगला प्रश्न है आपका कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार 2022 तक कितने शहरों में सीजीएचएस सेवाओं को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो देखिए 100 शहरों में आपके सीजीएचएस सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो देखिए अभी क्या हुआ है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने 75 वर्ष और ध्यान दीजिएगा सीजीएचएस सेवाएं किनको दे रहे हैं, 75 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवा है सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस, क्या है सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस दी गई है 75 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के आयु वर्ग के पेंशनधारियों को, पेंशनधारियों लाभार्थियों को, और ये दी जाएगी आपके 2022 तक 100 शहरों को दी जाएगी ये, और 2014 तक अभी तक सिर्फ 25 शहरों को ही ये दी गई है और बाकी 75 शहरों में ये लागू करना है, इसका विस्तार करना अभी बाकी है। अगला आपका एक आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है कि नमस्ते पैसिफिक नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये आपके निसंदेही दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, नमस्ते पैसिफिक कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यूगिनी और फिजी ने नई दिल्ली में क्या किया है, नमस्ते पैसिफिक नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसका उद्देश्य है भारत में प्रशांत महासागरीय देशों की संस्कृति का प्रदर्शन करना, जो हमारे पैसिफिक आइलैंड के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उन सभी की जो संस्कृति है उसको दर्शाना ही इसका उद्देश्य है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी के लिए किस द्वीप को चुना है। देखिए इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी आप सभी को पता होगी, इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी है जकार्ता, अब वो नई राजधानी बनाना चाहता है, तो जकार्ता की जगह वो किसको बनाने की बात कर रहा है, वो अब बोर्नियो को अपनी राजधानी बनाना चाहता है। तो चलिए फटाफट से बोर्नियो का मैप देख लेते हैं। देखिए ये आपका इंडोनेशिया है और इस इंडोनेशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है वो है बोर्नियो, पहले इसकी राजधानी थी जकार्ता और अब ये बोर्नियो को अपनी राजधानी बनाना चाहता है। थोड़ी सी इसकी लोकेशन देख लो कि यहाँ पर आपके स्पैटले आइलैंड है, इस पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यहाँ आपके सुमात्रा है, यहाँ आपका जावा है और जावा और इंडोनेशिया के बीच में आपके जावा सी पाया जाता है और यहीं पर आपके इसी के ऊपर नॉर्थ ईस्ट में आपके इंडोनेशिया के क्या है सेलेबीस सी है, इसके ऊपर आपके सुलु सी है और यहाँ पर आपके फिलिपाइंस आता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके बहुत ही विवादास्पद साउथ चाइना सी है जिसमें वियतनाम और चाइना में काफ़ी क्लैशेज यहाँ पर होते ही रहते हैं, यहाँ आपके गल्फ ऑफ थाईलैंड है। तो थोड़ा सा हमें ये सभी लोकेशन देख लेना जरूरी है। बोर्नियो क्या है, आपकी इंडोनेशिया की होने वाली नई राजधानी है। तो आप सभी का धन्यवाद, आज के लेक्चर में हमने बहुत सारे नए नए मैप की बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस देखी। दोस्तों फिर आपसे मैं कहना चाहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने का, और उस स्टेप में अगर आपने थोड़ी सी भी चूक की तो आप 10% की छूट पाने से रह सकते हैं। इसलिए जब भी आप सब्सक्राइब करें अप्लाई करते वक्त हमारा ये जो कोड है एस एस लाइव इसको जरूर ध्यान से और बिल्कुल स्पेलिंग चेक करके लगा लेना बच्चों को, कि अगर इसमें गड़बड़ हो गई तो फिर आपको 10% का छूट नहीं मिलेगा, आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा और फिर वो रिकवर भी नहीं हो सकता। इसलिए सोच समझ के ध्यान से हमारे कोड को याद रखेंगे, एस एस लाइव कोड है और उसे लगाएंगे तभी आपको 10% की छूट मिलेगी। फिर आपको 31,500 में पूरा अनअकैडमी प्लस का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और बहुत ही ऑसम कोर्सेज इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।